नमस्कार, आप देख रहे हैं INN 24 और आपके साथ मैं हूं पहले चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंबई के ज्वेलर्स दुकान से दिन दहाड़े लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के औरंगाबाद में बुलेरो चढ़ी भीड़ में, दो बालिकाओं की मौत, 6 घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेसियों पर पानी की बौछार की गई। और बिहार के नालंदा जिले में ट्रक ऑटो भिड़ंत, दो की मौत, 5 घायल। बिहार के शेखपुरा जिले में विद्युत विभाग द्वारा सभी गांव को बिजली पहुंचाने के साथ जर्जर तार को भी बदलने की दिशा में कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है, लेकिन चिवाड़ा प्रखंड के तियाई गांव की स्थिति काफी खराब है। जर्जर तारों के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है और किसी भी समय कोई भी हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार विद्युत विभाग के अधिकारी को आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसके कारण गांव के लोग काफी भयभीत रहते हैं। दूसरी तरफ विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि सब डिवीजन के द्वारा जल्द ही ठीक करवा लिए जाने की बात कही है। यहाँ तार इस ढंग से कटा हुआ है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसके बारे में SDO JE को भी बोला गया, लेकिन ये लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मिस्त्री को बोला गया तो लोग नहीं काम कर रहे हैं, यानी पैसा वैसा मांग कर। ये तार करीब करीब 1 महीना से पहले से ही कटा हुआ है। बोले कि ठीक है, ठीक देखा जाएगा, कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। सर, सब डिवीजन कार्यालय में जमा कराया गया, वो हमारे पास अभी आया नहीं है। हमारे पास आएगा तो वो उसको जांच कर लिया जाएगा, और सब डिवीजन में भी मैं बोल देता हूँ अभी जैसे जांच हो जाएगा। डेट्स ओलंपिक एसोसिएशन नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार में 6 से 9 अक्टूबर को संपन्न हुआ, जिसमें 28 राज्य के 2700 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें बिहार का दबदबा बना रहा। शेखपुरा के साजिद खान ने स्वर्ण पदक जीत कट विजेता हुए, जबकि पटना के राहुल कुमार और दरभंगा के अब्दुल वासिद खान ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। पूरे देश में बिहार के शेखपुरा के साजिद खान के विजेता घोषित होने पर बधाई देने लोगों का तांता लगा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यूथ कांग्रेसियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान पुलिस की तगड़ी नाकेबंदी थी, जिसको भेदते हुए SDM को राज्यपाल के नाम कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों का बोनस, नगरनार, विनिवेशीकरण, कावापाल के ग्रामीणों की निशर्त रिहाई, झिरमकांड की CBI जांच सहित अन्य 3 मुद्दे शामिल थे। युवा कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता विरोधी सरकार बताते हुए जमकर नारेबाजी की। जगदलपुर में यूथ कांग्रेस द्वारा विगत 2 अक्टूबर से 3 विधानसभा जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर में पोल खोल अभियान के तहत जनजागरण अभियान चलाया गया था। जनजागरण अभियान की समाप्ति के बाद यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्ट्रेट के घेराव कार्यक्रम में 3 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस बल ने वाटर कैनन का प्रयोग कर कांग्रेसियों को खदेड़ने की कोशिश की। घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों का कहना है कि बस्तर में अफसरशाही हावी है, जो भाजपा के इशारे पर कांग्रेसियों को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा आज कलेक्ट्रेट घेराव था। विगत दिनों पूरे विधानसभा में पोल खोलो अभियान के तहत गांव-गांव हम लोगों ने घूमा, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें झीरम कांड में जो हमारे शहीद हुए थे उसकी CBI जाँच, किसानों को धान का पूरा बोनस देना चाहिए जो 14 वर्ष हैं, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए, नगर नार का मिनिसीकरण बंद होना चाहिए, जो किसानों को ठगा जा रहा है प्रति एकड़ 25 क्विंटल जो सरकार ने कहा था खरीदने की, उस पर भी भाजपा सरकार अमल नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां पर ज्ञापन सौंपा है। बड़े दुख की बात है कि कलेक्टर अंदर हैं, सारे तमाम बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं, पर बाहर आना नहीं चाहते। शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन था, यहाँ आकर हम घेराव करना चाहते तो किसी तो कांग्रेस के हाथों में तलवार, डंडा, लाठी तो था नहीं कि यहाँ पुलिस वाले झुमा झटकी करते। यहाँ पुलिस हमारा कोऑपरेट करना चाहती है, पर भाजपा सरकार के मंत्री, मेरे स्थानीय विधायक बापना जी पुलिस थानाशाही के माध्यम से प्रशासन के दबाव में लाकर यहाँ के युवाओं को आवाज़ को दबाना चाहती है, जो कि असंभव है। आज युवा कांग्रेस जगदलपुर के द्वारा
कलेक्ट्रेट का घेराव का ज्ञापन दिया गया था और अभी अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से दिया गया है और उनके द्वारा 8 मांगे रखी गई है जो है, चूँकि ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को दिया गया है इसलिए ज्ञापन जो है आवश्यक कार्रवाई हेतु महामहिम राज्यपाल को भेजा जाएगा। बिहार में मगध प्रमंडल के आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने समाहरणालय के योजना भवन में मतदान पुनरीक्षण की समीक्षा की। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने जिले में चलाए जा रहे पुनरीक्षण कार्यों की सराहना की और इसे लेकर संतोष भी जाहिर किया। समीक्षात्मक बैठक है इलेक्टोरल पार्टीज के साथ, जितने भी राजनीतिक पार्टीज हैं और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके साथ आज पूरी समीक्षा बैठक चल रही है कि आपका इलेक्टोरल और कैसे शुद्ध हो सके और अधिक से अधिक लोग का नाम इसमें कैसे जुड़ सके और जो त्रुटियां हैं रोल में उसको कैसे सुधारा जा सके, उस पर स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन किया गया। बिहार में भागलपुर जिले के कहलगांव शहर में आज देर शाम स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर कहलगांव भाजपा एवं भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस अभियान में लोगों से अपील की गई कि चाइनीज वस्तुओं का उपयोग ना करें। इन लोगों ने अपने अपने हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार कर अपना राष्ट्रीय दायित्व निभाएं, चाइनीज बाय बाय। साथ ही चीन के खिलाफ चलाए जा रहे स्वदेशी अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की गई। झारखंड में खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत देवरी प्रखंड एवं जमुआ प्रखंड के बीच कोदंबरी चौक में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान का यहां कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। यहां मंदिर परिसर के बगल में कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है, जिससे आसपास के लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस विषय पर INN24 के संवाददाता ने चिकना डी और पांडे डी के स्थानीय मुखिया रेखा शर्मा और चमेली देवी देवरी जिला परिषद किरण देवी से बात की तो उन्होंने बताया कि वहां पर सफाई अभियान जल्द ही चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान के बाबत जिला परिषद के प्रतिनिधि यह संस्था कर्मी के द्वारा बतलाया गया कि स्वच्छता अभियान की सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जहां गंदगी एवं कूड़ों की ढेर होती है वहां स्वच्छता अभियान नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी डिपो होने के बाद भी अंतिम संस्कार के शहरवासियों को लकड़ी तक नहीं मिल पा रही है। लोग अंतिम संस्कार की लकड़ी के लिए सुबह 7 बजे से भटक रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी कभी निस्तार डिपो तो कभी डिपो भेज रहे हैं। डिपो के रेंजर मधुकर सलाम का साफ कहना था, पहले निस्तार डिपो से पर्ची लेकर आओ फिर लकड़ी मिलेगी। वही निस्तार डिपो के अधिकारी छुट्टी पर थे तो एसडीओ के फोन कॉल से बात करने पर भी रेंजर लकड़ी देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में प्रसाद शंभु मरकाम के साथ आए लोग रेंजर को हटाने के लिए डीएफओ के पास जाने की बात कही। हम गए सर, वहां पर लकड़ी नहीं है तो बड़ा डिपो में भेजे, बड़ा डिपो में लकड़ी के लिए आए तो बोल रहे हैं कि रेंजर साहब मैं वहां से पर्ची ले आओ तब देंगे, बोल के बोल रहे हैं। डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि वो रेंजर से बात कराओ, रेंजर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, निस्तार डिपो से पर्ची लाने के लिए बोल रहे हैं। जबकि निस्तार वाले खुद बोल दिए हैं कि भाई लकड़ी आप कहीं से भी उठा लो, डीएफओ साहब से बात हो गया है, लेकिन ये रेंजर है जो है अपना कागज लिखा के लाओ तब लकड़ी मिलेगा। रेंजर साहब का बहुत मनमानी चल रहा है, यहाँ से रेंजर को हटाना है अपने को। कास्टगार है रेंजर, वो मधुकर सलाम, और वो अपना बहुत मतलब भाव दिखा रहे हैं, उसको यहाँ से हटाना ही है। अगर उनके परिवार में अगर किसी का होता है तो फिर वो परिवार में तो बिना बोले गाड़ी ला के भर के ले जाते और उन लोग ये कर लेते। आज हमारे परिवार में हुआ है तो क्यों देने के लिए इनकार करें, हम पैसा दे रहे हैं, कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहे और अपना मोबाइल बंद करके रखा देंगे सर। वो तो बोल रहे हैं बड़े कर्मचारी जब हाथ उठा दे तो छोटे कर्मचारी अपने जवाबदारी से कैसे देंगे। हम इसलिए छोटे कर्मचारी को बीच में नहीं ला रहे हैं, बड़े कर्मचारी दोषी हैं, छोटे कर्मचारी कोई दोषी नहीं है। उन लोग तो देने के लिए तैयार हैं, एक आदेश हो जाए तो सुबह से हम लोग साथ में घूम रहे हैं, सुबह 7 बजे से हम लोग घूम रहे हैं।
क्या बोले सर, फोन किए थे मेरे पास रेंजर साहब कि दाह संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए बोल के, तो मैं फिर यहाँ आई तब मैं रेंजर साहब से बात की फोन द्वारा, तो उसे बोला कि पर्ची निस्तार डिपो से लाओ तभी मिलेगा बोल के। मैं इतना ही कह सकती हूँ सर कि क्योंकि मैं छोटे कर्मचारी हूँ, अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना, अब उसने बोला कि बिना पर्ची का मत दिया जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। झारखंड में बिरनी प्रखंड के महथा डी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत पोषण सखी अंजू देवी को बिरनी के डबरसैनी चौक स्थित एक प्राइवेट विद्यालय बाल विकास विद्या मंदिर में पढ़ाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले की जानकारी देते हुए बगोदर सरिया एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबिरनी के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त पोषण सखी ने आंगनबाड़ी केंद्र में सेवा देने के बजाय किसी निजी स्कूल में सेवा दे रही हैं, जिस पर टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां पोषण सखी को पढ़ाते पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित क्षेत्र की महिला परिवेक्षिका शोहरत सिद्दीकी को शो कॉज किया गया है। आखिर जब पोषण सखी अंजू देवी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही था तो पोषण सखी बनी क्यों? इधर मधेशिया ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका अनीता देवी ने भी लिखित दी है कि पोषण सखी अंजू देवी कभी आंगनबाड़ी आती ही नहीं है और हर माह में आकर सिर्फ उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बोनस वितरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके तहत आज रामानुज प्रताप स्टेडियम में जिला प्रशासन के माध्यम से किसान बोनस त्यौहार मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में किसानों को बोनस की सौगात देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, खेल युवा कल्याण एवं श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े एवं क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किसान बोनस तिहार कार्यक्रम में जिले भर के सभी किसान शामिल होकर बोनस तिहार कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। वही गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया, ये सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। इससे पहले किसी भी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, पर हमारी भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई ताकि हमारे छत्तीसगढ़ किसानों को इसका पूर्णतः लाभ मिल सके। इस बोनस तिहार से आने वाले दीपावली के तिहार में किसानों का घर दीपों से जगमगाएगा, तो ऐसा प्रतीत होगा सरकार द्वारा लिया गया फैसला किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। किसान बोनस तिहार में जिले के 11,47,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि किसानों का चेहरा किस तरह खुशहाली से भरा हुआ है। बोनस तिहार का भारी उत्साह है, अपने साधनों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे जिले में 11,47 किसानों को बोनस मिला है। 11,47 x 5 कर दे तो समझिए कि 50,000 से और लगभग 20 लाख रुपया का बोनस होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे और आप समझिए कि बोनस के हो जाने से ज़्यादातर किसानों को लाभ होगा, इसके साथ ही साथ वहाँ के व्यापारी के परिवार के लोगों को किसान के लिए सीजन में उनके हाथ में राशि बड़ा कठिन कार्य होता है और सरकार का जो निर्णय है ये अब किसानों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। आप समझ सकते हैं कि दिवाली के त्यौहार के पहले हर किसान को कुछ न कुछ रुपया मिलेगा, औसत हम लगा रहे थे लगभग 20,000 रुपये प्रति किसान के खाते में जाएगा, कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, किसानों में स्वयं में बहुत अच्छा है, अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि बीमारी संख्या बढ़ी है। बिहार में शेखपुरा जिले के बरबीघा टाउन हॉल में आयोजित शिल्पकला सहयोग शिविर का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने किया और महिलाओं को पहचान पत्र वितरण किया गया। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुद्रा योजना से आर्थिक सहयोग दिलाए जाने का ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार ने भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में शेखपुरा और बरबीघा के विधायक भी शामिल हुए। झारखंड में खोरी महुआ में अवैध बालू लदा 6 ट्रैक्टर को सीओ पप्पू रजक ने पकड़कर थाना को सौंप दिया है। पकड़े गए सभी ट्रैक्टर में से 5 राजधनवार प्रखंड का और 1 बिरनी प्रखंड का बताया जा रहा है। बता दें कि बिरनी के दलांगी हरदिया मझिया डी नदी बराकर घाट से अवैध रूप से बालू उठाकर भारी मात्रा में ट्रैक्टर से ले जाने की सूचना सीओ को मिल रही थी। इतना ही नहीं, बिरनी नदी घाट का बालू राजधनवार मरकच्चों के अलावा बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में बेचने का काम किया जाता है।
सूचना के आधार पर सीओ पप्पू रजक ने बिरनी प्रखंड मुख्यालय गेट पर अंचल गार्ड कर्मियों को तैनात कर दिया गया और बारी बारी से बालू लेकर जा रहे सभी ट्रैक्टर को जब्त कर थाना भेज दिया गया, जिसके बाद बिरनी प्रखंड मुख्यालय नेताओं और ट्रैक्टर संचालकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रैक्टर संचालक बारी बारी से फोन पर वीडियो से वार्ता कराया जा रहा था, लेकिन अपने काम और कर्तव्य पर अडिग रहने वाले वीडियो ने किसी की नहीं सुनी और सभी ट्रैक्टर को थाने भेज दिया। सूचना मिली थी कि बिरनी प्रखंड से अवैध बालू की निकासी की जा रही है, दूसरे प्रखंडों में कमर्शियल यूज के लिए भेजा जा रहा है, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई करते सारे ट्रैक्टर जो जिनकी संख्या 6 थाना भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के पुसौर ब्लॉक में द्वितीय सोपान स्कॉट गाइड शिविर का सफलतम समापन हुआ। यह शिविर दिनांक 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक पुसौर स्थित मंगल भवन में चला, जिसमें पुसौर ब्लॉक भर के निहित 13 स्कूलों के कुल 137 शिविरार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि पुसौर नगर पंचायत अध्यक्ष किशोर कसेर एवं विशिष्ट अतिथि बीके तिर्की, सहायक जिला आयुक्त तथा राठौर जी, उप निरीक्षक थाना पुसौर के गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। शिविर के संरक्षक एमडी महंत पंकज विश्वाल, अनिल यादव तथा मंजुलता गुप्ता रहे तथा 5 दिवसीय शिविर को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित किया। शिविर मंगल भवन पुसौर में 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आयोजित था, जिसमें विकासखंड पुसौर के विभिन्न 13 स्कूलों से 137 स्काउट गाइड ने भाग लिया, जिसमें 75 स्काउट और 62 गाइड सम्मिलित थे। इनके सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रशिक्षण के माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में बुलेरो ने दर्जन भर की संख्या में रहे खड़ी भीड़ को रौंद डाला, फिर बाद में अनियंत्रित होकर पलट गया। इसकी चपेट में आ जाने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना NH2 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर के पास की है। सभी घायलों का इलाज मदनपुर PHC में किया गया, जहां 2 की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें गया रेफर कर दिया है। बाकी 4 घायलों का इलाज मदनपुर में किया जा रहा है, जहाँ उनकी हालत स्थिर है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और ओवरब्रिज की मांग करने लगे। जाम की सूचना पर मदनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत और 4 लाख मुआवजे की घोषणा के बाद सभी को समझा बुझा कर जाम हटवाया गया। रोड किनारे हम लोग का ये दूसरी बार घटना है, कभी किसी को 5 गो मर जाते हैं, पूरा घर का फैमिली। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को रोड किनारे से लेकर कहीं अकाउंट जगह पे देहात में खाली स्थान है, वहाँ पर हम लोग को बसाया जाए। जो मर गए उनको 4 लाख, जो जिंदा है घायल है उनको सरकार की तरफ से पेंशन के बराबर मिलना चाहिए, ताकि पूरा घर का फैमिली है वो, उनको सरकार से यही गुजारिश है हम लोग की तरफ से। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस, लगभग 9 पेशेंट मेरे पास आया PSC मदनपुर में, जिसमें 3 पेशेंट की हालत थोड़ी गंभीर होती हुई, जिसमें प्राथमिक उपचार कर यहाँ से 3 को सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, बाकी लोगों का इलाज यहाँ हो रहा है। उसमें एक जो है बच्चा लगभग 3-4 साल का, वो डेड, क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किया गया। बिहार के बक्सर सदर अस्पताल में स्थित नवजात गहन शिशु चिकित्सा केंद्र में सोमवार को एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन भड़क गए तथा हंगामा मचाना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। बाद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत शिशु के परिजनों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। एक गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया। सभी आवश्यक जांच के बाद महिला का प्रसव के लिए चिकित्सकों की टीम ने अगले दिन उसे ऑपरेशन के लिए फिट नहीं पाया तथा उसे खून चढ़ाने की बात कही। उसे खून चढ़ा देने के बाद अगले दिन महिला को पुनः ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों की टीम ने पुनः उसे एनेस्थीसिया सुंघाया गया, लेकिन वह ऑपरेशन के लिए बेहोश नहीं हो पाई। बाद में चिकित्सकों ने उसे PMCH पटना रेफर कर दिया। साथ ही PMCH पटना में दूरभाष पर मरीज के बारे में बता दिया गया। तत्पश्चात मरीज के परिजनों को जल्द से जल्द पटना जाने की बात कही गई, लेकिन अज्ञात कारणवश वे मरीज को लेकर एक निजी चिकित्सालय में लेकर चले गए, जहां शनिवार को उसके प्रसव करा दिया गया। बाद में चिकित्सकों ने उसे PMCH पटना रेफर कर दिया। साथ ही PMCH पटना में दूरभाष पर मरीज के बारे में बता दिया गया।
तत्पश्चात मरीज के परिजनों को जल्द से जल्द पटना जाने की बात कही गई, लेकिन अज्ञात कारणवश वे मरीज को लेकर एक निजी चिकित्सालय में लेकर चले गए, जहां शनिवार को उसका प्रसव करा दिया गया। बाद में अगले दिन रविवार को नवजात शिशु को गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की खराब स्थिति को देखते हुए उसे लेकर पीएमसीएच पटना जाने की सलाह दी गई। बावजूद इसके परिजन नहीं माने तथा बच्चे को बाहर नहीं ले गए। सोमवार की सुबह में नवजात की हालत अचानक बिगड़ गई तथा तकरीबन 4 बजे सुबह बच्चे की मौत हो गई। यही नहीं छन ले 2-4 घंटा में तो बोला चिरा लेबे तो हमने का निकाल उहे निकल ले बना जा रेफर कदा ले बना जाए तो बोला से अपन मन ही कर ले तो हम कहले मैंने कहन में कि पटना ले यहां पानी पटना ना ले जाए हम ले जाए हॉस्पिटल में ले जाके हम ऑपरेशन करा ले बनी अनार पाली में करा के बाद लड़की हो गई बिया पैदा बिया के हम भर्ती पहले में लिया में देखा के कहल में सदन में डॉक्टर से देखा हमने का देखा ले बनिया देखावला के बाद कहल में देखो के कि ले जाइए शीशा में बंद कर दिए बंद कर ले बनेगा ठीक है भैया आ फिर आदन साँझ कर तो देख तो लड़की हुटू पतिया आ ले बने कोरा में तो मर गई पहुँच से लेकर आए सदर हॉस्पिटल एडू लिया तो वो लोग भर्ती लिए थे भर्ती लेकर ऑपरेशन करे खातिर ऑपरेशन घर में लोग ढुकाए ऑपरेशन घर में ढुका कर वो लोग ऑपरेशन करे के माने अछू में डाल दिए सब सब माने कपड़ा अपन पेन्हा झेलन जा कि ऑपरेशन इनका कोई जा ऑपरेशन लोग ना कोई लोग वो समय में ऑपरेशन लोग ना कोई लोग तो हम मनोज बाबू चौर और जो चौसा का है उनको फोन किए कि हमारा ऑपरेशन लोग निखन जा कर वो कोनो अधिकारी के विदा कैलन अधिकारी एजू अलन अधिकारी कहलन कि इनको ऑपरेशन करिए उन्हों के अधिकारी के कहला पर ऑपरेशन लोग ना कर ले पहले जी है कि ब्लड के कमी है नहीं ब्लड के कमी है तो हमारे 4 दिन पहले काहे न कहलन जे कि ब्लड के कमी है जब हमारे सीरियस हो गई झारखंड के दुमका केंद्रीय कारा ले जा रहे छिनतई का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल जामा थाना की पुलिस ने छिनतई के आरोप में अपराधी सुल्तान मियां को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया और पुलिस उसे जेल ले जा रही थी। केंद्रीय कारा के मुख्य गेट के पास पहुंचते ही आरोपी हथकड़ी के रस्सी को काटकर जीप से कूदकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। जैसे गेट फटक खुला वैसे ही अपना गाड़ी से कूद गया। तो कूद तो गया, रस्सी काटा क्या? रस्सी तो तब देखे नहीं थे, अब तो हम पीछे तरफ बैठल हूं। तो हाथ में क्या हथकड़ी लगा हुआ है? हथकड़ी लगा हुआ है। हथकड़ी ले ले फरार। हाँ हथकड़ी। क्या कैदी का नाम क्या? सुल्तान अंसारी। और कौन केस में था वो? छिनताई का। छिनताई का। कहाँ से आया था? जामा थाना से। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। महाराष्ट्र में मुंबई अंबरनाथ रेलवे स्टेशन के पूर्व परिसर में स्टेशन के समीप स्थित सागर ज्वेलर्स नामक एक ज्वेलरी की दुकान से अज्ञात चोर सेंधमारी कर दिन दहाड़े लगभग 10 से 12 किलो सोने के आभूषण चुरा ले गए। तकरीबन 3 करोड़ की चोरी की इस घटना से स्थानीय सर्राफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वैसे दुकान सहित इस संपूर्ण परिसर में सीसीटीवी लगे हैं, जो पुलिस को जांच में मदद कर सकते हैं। यह घटना रविवार दोपहर 1:30 से 4 बजे के बीच की है। जानकारी के अनुसार साप्ताहिक अवकाश के अलावा शेष दिनों में दोपहर में लगभग 1.5-2 घंटे दुकान बंद रहती है। रविवार को भी हमेशा की तरह दुकान बंद हुई। अज्ञात चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए दुकान के पीछे की खिड़की को तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान के डिस्प्ले तथा लॉकर में रखे सोने के गहने चुरा ले गए। दुकानदार ने जब 4 बजे दुकान खोली तब उन्हें चोरी होने की बात पता चली। बिहार के नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव के समीप ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर मुआवजे की मांग की।
अधिकारियों के पहुंचने के बाद जाम हटाया जा सका। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि आर्मी के जवान कृष्णदेव कुमार के पिता की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ ला रहे थे। इसी बीच महानंदपुर गांव के समीप यह घटना घटी। इस दुर्घटना में आर्मी का जवान भी जख्मी हुआ है। भारतीय वायुसेना 85 सालगिरह के मौके पर एयरफोर्स द्वारा झारखंड के दुमका में पहली बार एयर शो कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी 30 अक्टूबर को किए जाने की संभावना है। इसको लेकर सिंगारसी एयरबेस से आए वायुसेना के अधिकारियों ने दुमका एयरपोर्ट का मुआयना किया। बाद में एयरफोर्स के अधिकारी जिले के उपायुक्त से भी मिले और एयर शो की रूपरेखा तैयार की। इस कार्यक्रम में वायुसेना हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। वायुसेना के जाबाज जवान सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हवा से छलांग लगाकर लोगों के बीच उतरकर हैरत में डाल देने वाले हैरतअंगेज कारनामे करेंगे। इस कार्यक्रम को मनोरंजक और आकर्षक बनाने के लिए एयरफोर्स के जवान दुमका के इस हवाई अड्डे पर पैरा ड्रॉपिंग, तिरंगा शो और एयर शो के विभिन्न हैरतअंगेज कारनामे दिखाएंगे। दुमका के इतिहास में पहली बार होने वाले इस एयर शो के कार्यक्रम में लोगों के बैठने की मुकम्मल व्यवस्था भी की जाएगी। जो कार्यक्रम है वो इस माह के अंत में जो है प्रस्तावित है। एयर शो की तैयारी आज उनके वरीय पदाधिकारीगण जो है रांची से और सिंगारसी एयरफोर्स स्टेशन से यहाँ पहुँचे थे। विंग कमांडर, उनके ग्रुप कैप्टन्स और कई ऑफिसर्स के साथ हम लोग की बहुत डिटेल चर्चा हुई है एयर शो को लेकर। उसके संबंधित जो भी एकोमोडेशन लॉजिस्टिक का सपोर्ट है, प्रोग्राम को लेकर जो प्रिपरेशन किए जाने हैं, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स हैं, एयरपोर्ट संबंधित जो सुविधाएं हैं, उन सब के ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दुमका में एक अच्छा प्रयोग भी होने जा रहा है और पहली दफे यहाँ पे एक अच्छा ग्रैंड एयर शो भी हम लोग देख पाएंगे उसको। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।